के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी के आसपास ही तमाम दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जिससे पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकानों के देर रात तक खुलने के बावजूद भी पुलिस उन्हें बंद कराने में असफल साबित हो रही है। वहीं दुकानदार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि दुकानें देर रात तक खोली जाती हैं। और पुलिस पर आरोप लगाते हुए दुकानदार ने कहा कि कुछ दुकानदारों को टारगेट किया जाता है। और क्या कहा दुकानदारों ने, आइए आपको सुनाते हैं। जिसको सटल डाल दिया जी, ग्राहक आगे भैया हमारे पास सौदा ना, बोलो जी बंद करो, बड़ा कर दे भाई, सब दो मिनट यहाँ से बात करते हैं, बोलो जी मैं तो चालान कर दूंगा, ये कर दूंगा, और मैं कहा कि बदतमीजी करनी, दो तीन मिनट से कम की देखा, मैं देख लूंगा कब। तो क्या मतलब मकसद क्या है इस तरह? मकसद उसे पता होगा कि वो क्या चाहता है हमसे, नहीं आप आता ही इनके लिए बस। और बाकी दुकान खुली रहती है दुकान, तो कुछ लगता है कुछ कहता है कोई पुलिस वाला? वही वाली बात है ना, 6-10 हो जहाँ, 15 हो जहाँ, तो हमें तसल्ली रखे आदमी, हमारा काम है भीतर करना, थोड़ा सामान को बाहर निकालते फिर भीतर करते, तो टाइम तो लगेगा ही। वहीं पुलिस कर्मी का कहना है कि उनकी तरफ से पूरे बाजार को बंद कराने के लिए टीम भेजी जाती है और किसी को टारगेट नहीं किया जाता है। हरियाणा सरकार कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कराने में एक तरफ पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है, तो वहीं दुकानदार भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में गलती किसकी है, ये देखने वाली बात होगी। समाचार प्लस के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट।